व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आज है शूटिंग का दूसरा दिन और आज जो लोकेशन है वो है नायगांव का। हमेशा की तरह आज 10वां दिन है और मुंबई में बारिश रुक नहीं रही है, रुक रुक के हो रही है। नमेश की सुबह आज जल्दी हो गई, 9 बजे खुद चल के आ गया ये हॉल में। आज तो जल्दी कैसे उठा, जल्दी कैसे उठे आज, बोलो बोलो बोलो। और कल बाटी चोखा का प्रोग्राम होने के बाद सुरभि को वापस से हमारे प्रोग्राम के लिए शरीक होना पड़ता है। बस मैं वेट कर रहा हूँ यही अपने टिफ़िन का। ऐसे तो मेरा टाइम हो चुका है, मैंने अपना ड्यूरेशन बता दिया है कि मुझे सेट पर पहुँचने में कितना समय लगेगा। है कल अखबार लेके आया है ना, लिया ले ना। बेईमान है बड़ा, बेईमान है आज मौसम। रात को नींद भी ढंग से हुई नहीं है, पता नहीं क्यों। जिस दिन शूट रहता है उस दिन मैं सुकून से सो नहीं पाता। सुबह का कॉल टाइम ऐसा लगता है कि बज गए, 6 बज गए। गुड मॉर्निंग यादव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरी होंडा यूनिकॉर्न मेरा हमेशा साथ दी है ऑडिशन के टाइम से ही। आज का लोकेशन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। हम जाते थे वेस्टर्न लाइन से अंधेरी की तरफ, लेकिन आज हम जाएंगे नायगांव की तरफ। आज के लोकेशन में ज़्यादा गाड़ियाँ आपको नहीं दिखेंगी, आपको बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी। आज जो दिखेंगी वो आपको दिखेंगी ग्रीनरीज, अच्छी सड़कें, और वो भी खाली सड़कें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम मीरा रोड में बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इसीलिए इन सब के पास काम है। ये हम पहुंच गए हैं हाईवे पे, यहाँ से बहुत लोगों का पिकअप होता है अगर उधर कहीं शूटिंग कर रहे हैं तो। ये जिस दिन बन जाएगा ब्रिज ना, आधी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी ट्रैफिक की। कब से ये पुराने ब्रिज से हम लोग काम चला रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो रास्ते में और आप सूरत, नासिक इन सब की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पर मैकडॉनल्ड है, यहीं से नाश्ता करके निकलिए, बिकॉज़ आगे कुछ नहीं मिलने वाला। कई बार क्या होता है कि हम लोग नाश्ता करके निकलते नहीं हैं और रास्ते में इतनी तेज़ भूख लगती है, तो घोड़बंदर रोड में सबसे पहले UDP पड़ेगा, UDP में नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो फिर मैकडॉनल्ड है। और आप जैन खाते हो तो अन्नपूर्णा वेज UDP यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया जैन मंदिर भी है। ये जस्ट घोड़बंदर रोड पे ही है, आगे नायगांव आ जाएगा। हेलो, इधर तो रास्ता ही खराब है। ये देवदल गांव की तरफ हम आ गए, निकल तो गया है लेकिन भाई रास्ता बहुत खराब है यार। इस तरफ मैंने शूटिंग की है लेकिन मैं पहले किसी और रास्ते से जाया करता था, लेकिन अभी क्या है कि मैप को फॉलो करके जा रहा हूँ। जी हम पहुँच तो गए हैं लोकेशन पे, यही है हमारा लोकेशन। और पहले एंट्री करने से पहले पैर वैर कुछ धोना पड़ेगा। हाँ बैठना है, अरे आओ। चलो जी, आज का पहला सीन करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोग लेट हो चुके हैं, 9 बजे तक कैमरा रोल हो जाना चाहिए, लेकिन अभी बज गए हैं 11। बट कोई नहीं, 11 बजे भी अगर शुरू होता है तो हम शाम के 9-10 बजे तक काम ख़त्म कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे EP को होता है अगर रोल होने में लेट हो गया तो। देखिए कैसे परेशान है। और जब भी गांव के एरिया में हम लोग शूट करते हैं ना, तो बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ वहाँ भटक जाते हैं, फिर EP जाएंगे उनको लेकर के आएंगे। चूँकि मैं यहाँ का पुराना खिलाड़ी हूँ तो इसीलिए मुझे पता रहता है। और इस जगह पे तो हमने कितने क्राइम पेट्रोल किए हैं, बहुत सारे। ये खेत का सीन है इधर, इतना बढ़िया।
गणपति बप्पा। हाँ भाई सीन पढ़ा दो यार, वही करवा रहा हूँ। तो यहीं पर हमने वो प्रियंका रेड्डी की जो हैदराबाद में मर्डर हुआ था ना, प्रियंका रेड्डी का, उसका हम लोगों ने यहीं पर किया था। मॉर्निंग शॉट लेना था, वहाँ पर सन निकलते हुए दिखाए थे। क्या भैया सुबह रात का बाकी है, माइक लगवा लो। आइए चौंक दीजिए जरा सा भी, अगर चूँ और पूँ अगर आपका डायलॉग है तो बस लाके माइक ठूस देंगे पीछे। देखिए ये साइकिल वाला शॉट इस तरीके से लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड हुआ ना थर्ड क्लास, मेरा मुंह पूरा खुला। फोन दो इसको, वेट को वेट यार, क्या शूट मारो, ले लिया ना यहाँ पे ये फुटेज, 5K का फुटेज, बस 500 रुपए देना मुझे। हमको इसमें एक रील बनानी है, मैं सब दौड़ते हुए आ रहे हैं इसके अंदर। रंग सारी, रुक जाओ भाई, पहले हमारा सीन का रीडिंग चल रहा है, तुम लोग रील बनवा रहे हो। कैसे हो फिर तो एक बार पहला सीन हो जाए ना, तो फिर भड़क जाएंगे। आप बनाओ ना, क्या हुआ देखो, यहाँ पे धान रोपण किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बारिश का पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है। कहाँ जा रही है, जाओ सीन पे, सीन आ रहे हैं सबके। मेरा अभी सीन नहीं है, तुम ये लोग उधर से आएंगे साइकिल चला करके, उसके बाद मैं छेड़ूंगा। ऐसा करेक्टर दे दिया है छेड़ने वाला, मैं भी आ रहा हूँ क्या यार। मेरा मन हो रहा है जाकर के वहाँ पे धान का खेत में घुस जाऊँ और धान लगाऊँ। दादा क्या बना रहे हो जी? क्या है ये? खेत में नहीं आता जो हाथ लेता खोल के खड़ा रहता है। हाँ भोग, या कुआ भाग जाए। भोग, भोग, भोग। इसका हाथ पैर कहाँ है? लगाने तो जा रहे हैं। अभी खाली शरीर बनाए हो? शरीर भी नहीं बना अभी, तो उसका वो कहते ना हड्डी हड्डी, हाँ, बोन बोन बोन। देखो भैया सीन ऐसा है कि बाहर जो है कैमरा लगा है, ठीक है, मैं अंदर बैठ करके दारू पी रहा हूँ, लड़की आती है दुपट्टा पकड़ लेना है, और दुपट्टा पकड़ते ही फिर छेड़ना शुरू कर देना है। अब कैसे छेड़ेंगे हम? चलो ठीक है, हाँ हाँ। अभी सिर्फ ये है कि उसको हाथ आया पकड़ लिया आपने, हाँ हाथ आएगा इधर, हाथ नहीं आएगा, ये देखो ना ये जा रही है, ये जा रही है, जा रही है, आपने हाथ पकड़ लिया इसे। अच्छा मैं बोलूंगा आपको हाथ पकड़ लेना इसे, ठीक है, दुपट्टा उपट्टा जो भी करना होगा। वाह ग्रेट शॉट, बहुत अच्छा शॉट बनेगा ये, मतलब यहाँ मिरर में वो शॉट कैप्चर किया जाएगा, कैमरा इस तरफ है। कल का काम अच्छा, 10 है ये, 10 10 अरे गुड। एक रिहर्सल रिहर्सल, कहाँ तक खड़ी रहोगे दिखाओ? नहीं बस हो गया ये, हो गया, ये ऐसे खड़ी रहेगी, ये पकड़ा बाल वाल सब आ जाएंगे इसमें फिर। अरे ये लो, अब नहीं आएंगे। चलो ठीक है, चलो यार चलो ना। हाँ देखो मैं कैसे खींचता हूँ, राइट में आना, और आप तो ऐसे निकल जाएंगे, मैडम यहाँ पे आएंगी, मैं बोलो आप हाँ डाल दो सर, हाँ डाल दो, हाँ एक तो ये लड़की को छेड़ने में भी ना मुझे शर्म ही आ रही है। कैसे छेड़ोगे तुम हमको, तुमसे तुम छेड़ नहीं पा रहे, हम छेड़ नहीं पा रहे, खून आ गया है तुम्हारे हाथ पे। मेरी मम्मी का नाम वाली यही, देखो दुपट्टा खींचा ना, दुपट्टा खींचा तो देखो उसका रिजल्ट भी तुरंत मिल गया, क्योंकि मम्मी के नाम वाली है ना। हाँ वही, अरे मेरी जान, अरे बुआ जाएंगे, वैसे टक्कर मत जाना, बहुत मारेंगे। फिर भी जो है सीन के लिए चला लिया, इतना बहुत है गाड़ी को बचाते हुए, मैंने तो पहले ही सीट बेल्ट लगा लिया था। बस इसी में हम लोगों का टाइम जाता है, चेंज करो आओ, सेट कहीं और है, बेस कहीं और है, 20-25 मिनट तो इसी में चला जाएगा, आने जाने में लगता है एक्चुअली, लड़कियों का तो 1 घंटा लगता है।
तो इधर बैठ के दारू पियेंगे? अरे वो अड्डा अभी हुआ नहीं, अभी अड्डा शुरू होने वाला। ऐसे अड्डे पे तो कभी ना बैठे हम लोग, सबका जुगाड़ होता है अपना। अभी बनारस चलो, बनारस में पैसे ऐसे अड्डे में दिखाऊंगा ना अपने, आराम से बैठ के चिल मारो। चलते सिर में ये जोर की बारिश आई और मुझे यही दिखा, सीधा इधर आ गया। आधे लोग उधर अटक गए।